हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर हमारे जो डिस्कशंस है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये कह रहा है कि जो प्री स्कूल और जो प्राइम जो सॉरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन लेवल है उसमें इंक्लूसिव और जो क्वालिटी वाली एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाना इसका एक मोटो है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में तीन स्कीम को समर्ज किया गया है। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक है टीचर्स एजुकेशन। अब आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, हम बात करें इसके आंसर की तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, समग्र शिक्षा अभियान। देखो, था क्या कि हमारे देश में शिक्षा के लिए काफ़ी सारी स्कीम आई थी अलग अलग, बट वो आपस में एक साथ इंटरलिंक नहीं थी, तो उसको एक उन स्कीम को एक जगह मर्ज किया गया और उन सबका मेन मोटो रखा गया कि भाई स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। चाहे आप टीचर की ट्रेनिंग इंप्रूव करो या फिर चाहे बच्चों के लिए स्किल है वो इंप्रूव करो, मतलब जो भी मेथड है वो लेके आओ, बस बच्चों को बेनिफिट है उसका मिलना चाहिए। यह ध्यान रखना कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तीन हुई, चाहे सर्व शिक्षा अभियान की बात करो, चाहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करो या फिर टीचर्स एजुकेशन की बात करो, तीन स्कीम है, इनको मर्ज करके इनका नाम रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे। वो इसका मेन मोटो ये रखा गया है कि भाई जो प्री स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन लेवल है वहाँ तक सब लोगों की पहुँच है, वो हो सके और सबको अच्छी एजुकेशन मुहैया करवाई जा सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में। दो पहला स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना में फिजिकल एड है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, इसके साथ ही जो लिविंग डिवाइस हैं जिनकी ज़रूरत होती है सीनियर सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किनको? बिलो बीपीएल कैटेगरी। तो ये आपको ध्यान रखना कि जो पर्सन बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो स्कीम है यह इंप्लीमेंट की गई है यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। तो देखो, हम बात करें यहाँ पे भी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। ये जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की और इसका मोटो ये रखा गया था कि हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको एक्चुअली आपको पता से सुनाई नहीं देता है या फिर कई बार उनको सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हैं वो करवाई जाएंगी, वो पर्सन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग हैं वो करते हैं। तो ये आपको स्कीम है वो ध्यान में रखनी। इसमें फिजिकल डिवाइस वगैरह हैं जैसे कि सुन नहीं रहा तो उनको सुनने की जो मशीन्स वगैरह हैं वो सब उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और यह जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट की गई थी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि इंडिया की एक पीएसयू मतलब पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना कि यह एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है, उसमें क्वेश्चन ही है आपसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन इंडियंस माइंस, मतलब आपको जो महिलाओं का हमारे देश में जो माइंस हैं उनके अंदर रोजगार के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द माइंस एक्ट 1952 है ना, वो इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि वुमेन्स हैं वो किसी भी टाइम में माइंस में काम है वो नहीं कर सकती, एनी पार्ट ऑफ द माइंड, मतलब वुमेन है वो उनको रोजगार है वो वहाँ पे सॉरी वुमेन को रोजगार है वो दिया जा सकता है, प्रोहिबिटेड कर रहा है इस चीज़ को, आपको ध्यान में रखना कि मना कर रहा है ये 1952 एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने अभी नोटिफिकेशन इश्यू किए हैं ताकि जो नॉर्म्स हैं वो इजी किए जा सकें और वुमेन्स का जो अभी रूल काफ़ी टाइट थे पहले कि वुमेन्स को जॉब वगैरह नहीं दी सकती, वहाँ पर जो भी रूल्स थे उनको थोड़ा सॉफ्ट एयर लिबरल किया जा सके, जो रिस्ट्रिक्शन थी वुमेन्स पे उनको थोड़ा कम किया जाए और वुमेन्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है माइंस इंडस्ट्री में वो बूस्ट किया जा सके। अब हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की, देखो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। क्यों है वो हम देखते हैं। पहला फैक्ट हम देखो यहाँ पे बात करते हैं, यह जो स्कीम है या ये जो प्रोग्राम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्टेप उठाए हैं। अभी देखो क्या था, अभी तक हमारे देश में जो गाइडलाइंस फॉलो की जा रही थी वो की जा रही थी 1952 के एक्ट की और उसका सेक्शन 46 ये कहता है, माइंस एक्ट 1952 का जो सॉरी सेक्शन 46 है वो ये कह रहा है कि वुमेन्स हैं उनको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की माइनिंग में काम करवाया जा सकता है। इसका मतलब कहने का है कि इसमें नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं थी। तो अभी देखो हमारे देश में रोजगार के सेक्टर में हम बात करें वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उनको नाइट शिफ्ट भी अलाउ करनी चाहिए और इसी के लेकर रूल्स हैं वो काफ़ी इजी करने की बात है वो की जा रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको फिर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है ग्लोबल क्राइसिस ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिपोर्ट के बारे में, किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है एटॉमिक एनर्जी कमीशन,
दूसरा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और तीसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और चौथा है ग्रीन पीस। देखो हम बात करें यहाँ पे, द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है ग्रीन पीस के द्वारा, जो कि यह आपको ध्यान में रखना, फ्रांस बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको पेयर दिए हुए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला पेयर आपको यहाँ पे दिया गया है अरे बीटे टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कर्नाटका। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिया गया है तेलंगाना। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया कि थाने क्रिक फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिया गया है महाराष्ट्र। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। देखो एग्जाम में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इसने पूछा क्या है। चलो आप ये बताइएगा, इसमें आपको ये पूछता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो क्या होता। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई न्यूज़ में क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसको फैक्ट भी देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो मैचिंग है वो सही मैच किया हुआ है कि अरीबीटू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कर्नाटका में है। वो तीसरा भी बिल्कुल सही है कि थाने क्रिक फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो महाराष्ट्र में, आपको पता है महाराष्ट्र में एक थाने जिला भी है, तो ऑब्वियसली इसके आधार पर आपसे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी महाराष्ट्र में ही है। तो गलत स्टेटमेंट पूछता हमें तो इसका आंसर हो जाता ए, और अगर सही पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये न्यूज़ में क्यों था वो हम देखते हैं। न्यूज़ में देखो इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि इस बार बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात की गई थी कि मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो लाई जाएगी, और एक्चुअली जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था ना वो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनसे होके ही जा रहा था, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। क्योंकि जो एक तो मुंबई की जो थी ना थाने क्रिक फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी एक्चुअली महाराष्ट्र में, और उसका भी कुछ लैंड है वो इसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में यूज़ है वो हो रहा था। इसके साथ ही संजय गांधी नेशनल पार्क का भी कुछ हिस्सा है, और हम बात करें यहाँ पे तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में, उसका भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। और जो कर्नाटका में अरेबिटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ भी काफ़ी अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पे अभी जो हिरण थे उनका सफलतापूर्वक मलेक्शन उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट है वो किया गया था। तो इसलिए कुछ फैक्ट थे, यूपीएससी इसी तरीके से आजकल क्वेश्चन से वो पूछ रही है। अब हमारा जो आर्टिकल है पहला वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि अभी एक स्टडी रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था लाइटिंग अप लाइव थ्रू कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। तो देखो आपको ये रिपोर्ट है, इसका टाइटल वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कोई ज़्यादा स्कीम नहीं है, वो एक आधी स्कीम है, और उसमें से अहम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका मोटो कहता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जारी की गई थी 10 मार्च 2016 को, और इसका मोटो ये रखा गया था कि भाई हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं, जो कि आपको पता है खाना वगैरह बनाने में चूल्हे का यूज़ करते हैं नॉर्मली, और उसमें लकड़ी या गोबर की ओपले वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी सारा धुआं निकलता है और वुमेन की हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, और उनके लिए काफ़ी सारी बीमारियाँ भी आती हैं। तो उन सबसे उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो गरीब परिवार जो कि बिलो मतलब हम बात करें पॉवर्टी लाइन है या बीपीएल रेखा के नीचे हैं, उनको फ्री में गैस कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके लिए प्रावधान क्या था, उनको 1600 रुपये की नकद एक तरीके से सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट दिया जा रहा था, और उनको गैस कनेक्शन मुहैया करवाया जा रहा था। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे। अब इसका देखो यूज़ है वो हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर भी। तो अभी इस रिपोर्ट का एक तरीके से हम बोलें तो मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उसी के लेके अभी एक तरीके से स्टडी वगैरह है वो की गई है। यह जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भारत और मोनाको के बीच में रिलेशंस को लेके। तो पहले हम मोनाको की लोकेशन है वो देखते हैं कि मोनाको है कहाँ पे। देखो ये है आपके सामने यहाँ पे मेडिटेरियन सी, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है जिब्राल्टर स्टेट हो गया, यहाँ पे पुर्तगाल हो गया है, ये थोड़ा स्पेन हो गया है, और ये यहाँ पे हो गया हमारा फ्रांस। और आपको पता है कि स्पेन के अंदर एक जगह थी यहाँ पे, इसका एक प्रांत था प्रोविंस था जिसका नाम था बार्सिलोना। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रामे भी हुए थे लास्ट ईयर, न्यूज़ में भी था ये कि इन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमी के तौर पर मतलब खुद को अलग से स्वायत्त इंस्टीट्यूट है स्वायत्त स्टेट है वो रखना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ वो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये फ्रांस है ना, फ्रांस का जो मेडिटेरियन वाला हिस्सा है ना, इसमें एक छोटी सी कंट्री है, मतलब लगभग इसका एरिया है वो बहुत कम है, 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। हम बात करें तो एक तरीके से वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री के नाम से भी जानी जाती है। सबसे छोटी कंट्री हम वर्ल्ड की बात करें तो आती है वेटिकन सिटी, जो कि इटली के अंदर एक सिटी है, इटली के अंदर एक सिटी है जो कि एक अलग कंट्री के नाम पर है, और फिर दूसरे नंबर पर आती है मोनाको। अभी कंटेक्स्ट आया था कि मोनाको के जो राजा हैं वो इंडिया की विजिट पे आए थे, तो उसको लेके तो हमें पता होना चाहिए मोनाको की लोकेशन कि भाई ये है वो मेडिटेरियन सी को इनका एरिया है, बॉर्डर है वो यहाँ पे टच करता है, ये होगा यहाँ पे इटली, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हो गया ग्रीस, तो ये भी है यहाँ पे, फिर हो गया अल्बानिया, हो गया यहाँ पे
सेवरिया हो गया, ये यहाँ पे हम बात करें ऑस्ट्रिया हो गया, ये यहाँ पे स्लोविस्का हो गया, यहाँ पे हंगरी हो गया, यहाँ पे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। तो ये हमने एक बार मोटा मोटा मैप है वो भी यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे कौन राजा है, कौन कहाँ पे है, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने बस कंटेक्स्ट देख लिया कि भाई वहाँ के राजकुमार जो राजा हैं वो इंडिया की विजिट पे आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान रखना कि इंडिया ने मोनाको के साथ जो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर रखे हैं, और उन्होंने 2007 में अपने दूतावास के थ्रू काफ़ी अच्छे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग वगैरह किया है। लोकेशन हमने डिस्कस कर ली कि मेडिटेरियन सी में जो साउथ यूरोप के हिस्से में एक छोटी सी मतलब शहर के टाइप की एक स्टेट है जिसका एरिया वो लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और वेटिकन सिटी है वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है वो आती है मोनाको। और मोनाको है उसमें वैसे एक तरह हम बात करें डेमोक्रेसी तो है बट वहाँ पे राजतंत्र है, तो ये आपको फैक्ट देख लेना एक बार, छोटा सा फैक्ट है वो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है UNCTAD के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेके। है क्या है वो देखते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई यूनाइटेड नेशन से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये एक्चुअली ट्रेड है आपस में वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बीच में, इसको स्ट्रॉन्ग इसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए एक ग्रुप है, एक हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन एक सम्मेलन है वो तैयार किया गया कॉन्फ्रेंस। अब इसको बनाया गया था 1964 में, पहला फैक्ट तो ये ध्यान में रखना है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है डेवलपिंग और जो डेवलप इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा मतलब आपस में कोलेबरेट करवाना, सिंक करवाना, और आपस में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। और यह एक तरीके से हम बात करें तो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या एक ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये तो हो गए इसके बारे में कुछ जो बेसिक फैक्ट। अब हम बात करें इसकी रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है ना, ये काफ़ी सारी रिपोर्ट जारी करता है। तो रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, एक तो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक तो आप ये ध्यान रखना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसके साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी, और इसके साथ ही आती है, हाँ ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट काफ़ी हैं, ये दोनों ही UPSC काफ़ी बार पूछ सकती है और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये रहती हैं। बाकी यहाँ पे और भी हैं जैसे कि द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ रिपोर्ट, इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट, इसके साथ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिपोर्ट, और यहाँ पे है कम्योडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बट पहली दो इंपॉर्टेंट काफ़ी न्यू है, इनको मैंने कल डिस्कस भी किया था एक्चुअली टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप इन रिपोर्ट्स वगैरह को काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है पिंक रिवोल्यूशन को लेकर। पहला चीज़ पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पिंक रिवोल्यूशन है वो हमारे देश में जो मीट प्रोडक्शन है इसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो मीट से काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस हैं जो कुपोषण की समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है, इसलिए पिंक रिवोल्यूशन है वो हमारे देश में स्टार्ट है वो की गई थी। आप ये बताना कमेंट बॉक्स में कि गोल्डन रिवोल्यूशन और यहाँ पे एक आती है व्हाइट रिवोल्यूशन, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। गोल्डन और व्हाइट जो रिवोल्यूशन है ये किस लिए है, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना है। कंटेक्स्ट अभी आया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो किसानों को भी और जो कंज्यूमर है उनको अच्छी क्वालिटी का जो पोर्क, पोर्क कहते हैं एक्चुअली सुअर के मांस को, तो उसको बढ़ाने के लिए वगैरह किसानों को भी फायदा हो, क्योंकि देखो पोर्क अगर डेवलप किया जाएगा मतलब सुअर को अगर पैदावार बढ़ाई जाएगी तो ऑब्वियसली किसानों को भी कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा, और जो लोगों को पोर्क खाते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह मिल सकते हैं। तो उपभोक्ताओं को और किसानों को दोनों को बेनिफिट देने के लिए गुलाबी क्रांति या हम बात करें पिंक रिवोल्यूशन को थोड़ी गति है वो दी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो जो किसानों की आजीविका है ना वो बढ़ जाएगी, किसानों के पास अगर सुअर का वो प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसके साथ ही मांस है वो सस्ता हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो लोग न्यूट्रिस कुपोषण वगैरह के शिकार हैं और जो इसका कंजप्शन करते हैं उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन युक्त जो मांस है वो वहाँ पर मिल सकता है। देखो है क्या कि हमारे देश में जो सुअर का मांस यूज़ किया जाता है जिसे हम पोर्क कहते हैं वो एक्चुअली काफ़ी सस्ता है, मतलब लगभग 200-250 रुपये किलो के आसपास होता है, और वहीं हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में उसकी रेट होती है लगभग 1200-1300 के रुपये पर केजी के हिसाब से। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे देश में जो पोर्क है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पोर्क को बहुत ही कचरा खाना खिलाया जाता है और काफ़ी सारे इशूज़ रहते हैं, तो इसीलिए जो हमारे देश में जो पोर्क है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड भी नहीं होती है, यही काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ने ये स्टेप उठाया है, वहाँ की महाराष्ट्र की एक लिमिटेड है कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे गार्गी जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करेगी कनाडा से जो सुअर हैं इनको वहाँ से इंपोर्ट करके और फिर इंडिया में उनके साथ रिसर्च वगैरह करके और जो उनका प्रजनन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करके इंडिया में ब्रीडिंग करवाई जाएगी, और इंडिया में अच्छी क्वालिटी के सुअर्स हैं पिग हैं उनको डेवलप किया जाएगा और फिर उनका पिग रिवोल्यूशन में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा, ये काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे है सेफ सिटी प्रोजेक्ट।
देखो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है यानी कि सुरक्षित शहर परियोजना है वो स्टार्ट की गई है निर्भय फंड योजना के तहत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब दिल्ली में जो रेप केस हुआ था निर्भय रेप केस, इसके बाद ही निर्भय फंड बनाया गया था। और निर्भय फंड का मेन मोटो ये था कि भाई वुमेन्स के लिए कोई भी मतलब स्टेप उठाना हो, कोई भी प्रोग्राम लेके आना हो सेफ्टी के लिए, तो उस फंड के तहत पैसा यूज है वो किया जाएगा। कंटेक्स्ट अभी यह है कि हमारे देश के जो चुनिंदा टॉप 8 महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हम बात करें, जिनमें काउंट होता है दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद और यहाँ पे लखनऊ, इन सिटीज़ के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको सार्वजनिक स्थानों पे सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये यहाँ पे इसका मेन मोटो रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है 8 महानगरों में, और अभी इसके लिए लगभग 2,919.55 करोड़ रुपए हैं वो एलोकेट किए गए हैं, और 5 जो महानगर हैं में तो स्टार्ट भी इस प्रोजेक्ट को कर दिया गया है। ये ध्यान रखना है इसमें जो पैसा है 60% पैसा है वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% पैसा वो स्टेट को वहन करना होगा। बट बात करें दिल्ली की तो आपको दिल्ली है उसमें सारा पैसा है 100% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देने वाली है, और महिलाओं के लिए सेफ सिटी है वो डेवलप की जाएगी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।